सबसे पहली बात है कि बालको कर्मी होकर ही अपने आप में ये बहुत बड़े गर्व की बात है और मुझे वैसे ही अपने आप में बहुत प्राउड है कि मैं बालको की एम्प्लॉय हूँ। दूसरी चीज़ है कि बालको वासी भी हूँ एक तरीके से और इस पे मुझे बहुत गर्व है। प्लस जो मैंने अवार्ड जीता है बालको कर्मी होकर, बालको कर्मी होने के नाते, इस पर मुझे बहुत ज़्यादा गर्व इसलिए है क्योंकि जो भी मैं आज हूँ या जो भी मैंने अपने कार्य किए हैं, जो भी इस कार्यकाल में जितना भी जो भी अचीवमेंट्स किए हैं, जो अपनी क्वालिटीज़ को निखारा है या जो भी किया है, वो सारी चीज़ें मुझे बालको की ही देन है। बालको वेदांता को जब से मैंने ज्वाइन किया, मेरा करियर यहाँ से स्टार्ट हुआ है और आज भी बालको वेदांता के साथ ही जुड़ा हुआ है। और इस बीच मुझे बहुत से ऐसे मौके मिले कि जहाँ पर मेरा जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट का काम मैंने कंपनी में ढूंढा कि और क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं। मुझे मेरी कंपनी ने कहीं भी किसी भी मोड़ पे रोका नहीं, उन्होंने मुझे हर एक मेरे प्रयास में बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प किया और मेरे को जिस जिस फील्ड में काम करने की इच्छा हुई मैंने उस फील्ड में सभी में काम किया। अपने बेसिक काम को कभी नहीं छोड़ा, बट उसके साथ साथ मेरे को जितने भी कंपनी के, जैसे सीसीए है, सीएसआर है, इसमें मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, मैंने इसमें काम किया। मैंने न्यूज रीडिंग का, मुझे बचपन से बहुत शौक था, मैंने ये काम किया। और जिस भी तरह के मेरे को सैप में बहुत इंटरेस्ट था, सैप एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पे चलाया जाता है इंडस्ट्री के अंदर, तो इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट था, मैंने इसमें काम किया। मैं केमिकल इंजीनियर हूं तो मेरे को जो केमिकल इंजीनियरिंग का जो काम था वो मुझे कंपनी ने करने को दिया, उसके लिए मैं बहुत ही कंपनी की आभारी हूं। ये सारी चीजें मेरे को करने को मिली और इन्हीं की वजह से मैंने अपने करियर में बहुत सारी चीजें ऐसी डेवलप की जिनकी वजह से मैं आज इस अवार्ड को देखने के लायक बनी हूं। तो डेफिनेटली इस वेदांता बालको का मेरे पे बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और रही बात तीसरे राउंड की, इसका जो चौथा तीसरा राउंड था हमारा, वो था वोटिंग राउंड। और वोटिंग में मैं आपको क्या बताऊं, मुझे भरपूर सहयोग मिला सारे बालकोवासियों से। मेरे अपने फैमिली ने तो मुझे वोट किए, मेरे फैमिली के जितने फ्रेंड्स हैं, मेरे अंकल आंटी जो मेरे साथ बचपन से हैं, उन्होंने बहुत वोट किए मुझे। मेरे पूरे बालको टाउनशिप में जो लोग हैं, जो मुझे जानते हैं, नहीं जानते हैं, जिस तरीके से भी मुझसे जुड़े हुए हैं, उन सभी ने मुझे भरपूर वोट किए। मेरे पूरे प्लांट में जितने लोग मुझे जानते हैं चाहे ना जानते हैं, जो एक लहर गई कि हाँ ये अवार्ड चल रहा है, इसमें कुछ वोटिंग है, सभी ने मुझे भरपूर भरपूर सहयोग किया। जो नहीं जानते थे उनका ये पॉजिटिव एटीट्यूड जो है, ये एक तरह से क्या कहना चाहिए, वेदांता की जो यूनिटी है, जो उसका कल्चर है, एक यूनिटी पावर, वो जो पावर शो की है लोगों ने, यूनिटी शो की है, मुझे इस चीज की ज्यादा खुशी है कि इसके बहाने हम सब ये जाने कि हम सभी बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं। हम में से कोई भी अगर कोई काम करने के लिए जाता है, हम सब उसको भरपूर सपोर्ट करते हैं। ये चीज देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और मेरे को इस तरह से उन्होंने विन कराया, मुझे इतने सारे वोट्स दिए, मुझे इतना सारा प्यार दिया, मुझ पर इतना भरोसा दिखाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हर एक बालको से जुड़े हुए हर एक इंसान से मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी उनको और कहना चाहूंगी कि अपना प्यार हमेशा इस तरह मेरे ऊपर रखें और आगे मेरे से लाइफ में कोई भी कभी भी मेरी जरूरत पड़े उसके लिए मैं हमेशा ही रेडी हूँ, रिटर्न बैक करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। बालको वेदांता को हो या फिर मेरी कंपनी के कर्मियों को हो, मेरे साथियों को हो, मेरे पेरेंट्स को, मेरे फैमिली फ्रेंड्स को, मेरे बालको वासियों में से किसी को भी मेरी जरूरत हो, मैं हमेशा ही हाजिर रहूंगी। मुझे इतना सपोर्ट मिला है आप लोगों से। शिल्पी अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देती है। पुरस्कार का श्रेय मुझे बहुत सारे लोगों को देना है क्योंकि ये पुरस्कार अकेले मेरा ही नहीं है, मुझे इसका श्रेय तो बहुत सारे लोगों को देना है। सबसे पहले मैं अपने माता पिता को और स्पेशली मेरी मॉम को मैं ये श्रेय देना चाहूंगी जिन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत की, साथ में हमेशा से बचपन से उन्होंने मुझे पाला पोसा इस तरीके से कि कभी भी मुझे एक लड़की होने का अलग से एहसास नहीं दिलाया। उन्होंने मुझे हमेशा बोला कि बेटा तुम एक इंसान हो, एक लड़की या एक लड़का नहीं हो। उन्होंने उसी तरह से हमें पाला पोसा है, बड़ा किया है, हम दो बहनें हैं और उन्होंने हमेशा बोला है कि बेटा आपको हमेशा ये दिखाना है कि एक लड़की भी वो कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है। ये मेरी मम्मी का सपना साकार करने के लिए बिल्कुल मैं मम्मी के पदचिन्हों पर ही चलना चाहूंगी और सबसे पहला श्रेय मैं उनको ही देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इतनी समझदारी, इतनी समझ दी और इस पुरस्कार के लिए भी स्पेशली उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया था मुझे। प्लस इसके साथ मेरे पापा, मेरी बहन, तो मेरी फैमिली को सबसे पहला श्रेय जाएगा। दूसरा श्रेय मेरे फैमिली फ्रेंड्स को जाएगा, जो मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड हैं, जो अंकल आंटी हैं मेरे, उनके साथ में भी मैं बचपन से बड़ी पली बड़ी हूँ। इसके बाद जो श्रेय जाएगा वो सबसे पहले मेरी कंपनी को जाएगा, जो कंपनी जहाँ रहकर मुझे ये सारे काम करने की प्रेरणा मिली है, जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे मैं अपना करियर बना पाई हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले कंपनी को भी श्रेय दूंगी। जितने भी बालको कर्मी हैं जिन्होंने मुझे वोटिंग के थ्रू सपोर्ट किया,
मैं उसके लिए उन्हें श्रेय देना चाहूंगी। उन्होंने मुझे बहुत बहुत मेरे पे प्यार बरसाया है वोटिंग करके, और जाने अनजाने मैं जितने लोगों को जानती हूँ और जितनों को नहीं जानती हूँ जिन्होंने मेरे को एक वोट भी किया, मैं सबको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जिन्होंने नहीं भी किया, जो सिर्फ जानते ही हैं, उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी हैं। सारे बालकोकर्मी, बालको में रहने वाले सभी लोग जिन्होंने मुझे बधाइयाँ दी, कभी देखा हाय हेलो किया है, वे सभी बधाई के पात्र हैं, सभी धन्यवाद के पात्र हैं मेरी तरफ से। इसके बाद जिन्होंने मुझे इंटरव्यू में बहुत सपोर्ट किया, बहुत ही हेल्प किया, वो हैं तरुण, उन्हें भी मैं श्रेय देना चाहूंगी। मनमोहन अंकल जी, वीना आंटी और दीपाली दीदी, नोशी, इन सबको भी मैं श्रेय देना चाहूंगी। उन्होंने मेरे को भरपूर सहयोग किया है, बहुत सपोर्ट किया है। और तरुण ने स्पेशली रिसेंटली मुझे बहुत सारी चीजें इंटरव्यू में सिखाई कि इस तरह से आपको चीजों को बोलना चाहिए, करना चाहिए, तो इन सब चीजों से मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। इन सभी को भी मैं श्रेय देना चाहूंगी। इस तरह से श्रेय बहुत सारे लोगों को जाता है, मेरी अपनी कंपनी को जाता है, दैनिक भास्कर को बहुत बड़ा श्रेय जाता है जिन्होंने इस तरह के अवार्ड किए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अवार्ड है, ये बहुत हाई प्रोफाइल महिलाओं के लिए या फिर बहुत सेलिब्रिटीज के लिए नहीं था, ये एक नारी को पहचान दिलाने का अवार्ड था, ये सबसे अच्छी बात है, इसलिए मैं उन्हें भी इसका श्रेय देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शिल्पी मानती है कि बालकों ने महिलाओं को आगे बढ़ने के भरपूर अवसर दिए हैं, उनकी सफलता इस बात की गवाह है। जी डेफिनेटली, बालको प्रबंधन तो महिलाओं को बहुत आगे ले जा रहा है, ये तो बिल्कुल किसी को बोलने की हमें जरूरत नहीं है। बालको का रोज पेपर में नाम आता है, बहुत जगह नाम आता है, बालको प्रबंधन बहुत कुछ कर रहा है। मैं बालको कर्मी होने के नाते भी ये चीज जानती हूँ, और CCCSR डिपार्टमेंट से थोड़ी जुड़ी हुई हूँ, इसलिए भी मुझे ये पता है कि नारी सशक्तिकरण के लिए बालकों ने बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं आसपास के गांवों में, और बहुत सारी जगहों में जा जाके उन्होंने बहुत प्रोग्राम्स किए हैं, और हमेशा से उनको हर तरह के आंदोलन के लिए प्रिपेयर करने की हमेशा कोशिश की है। किसी भी तरह का उनको बहुत ही जागरूक बनाया है बालको वेदांता ने, बहुत सारे प्रोग्राम्स और बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की है जिससे कि महिलाएं बिल्कुल सशक्त हो। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बालको में अभी रिक्रूटमेंट्स भी हुए हैं, उसमें बहुत सारी लेडी एम्प्लॉयज हैं, एजुकेटेड से लेके हर एक क्षेत्र में, हर एक लेवल पर वेमेन को लिया गया है, और उनको बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ाया जाता है। बिल्कुल उन्हें किसी भी चीज में रुकने की, अपने आप को रोकने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। जैसे कि डिपार्टमेंट में मैंने खुद एक फ्रीडम एंजॉय की है अपने जॉब में, और उस फ्रीडम को मैंने यूटिलाइज किया है, और मेरे को साथ में कंपनी ने यह भी बताया कि आपको किस तरह से यूटिलाइज करना है। साथ में घर में जिस तरह से माहौल है, मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर का सबसे बड़ा थॉट है वुमेन एम्पावरमेंट, जैसे कि ईयर भी है वुमेन एम्पावरमेंट, तो उसका उनका थॉट है ये कि वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, और इसके लिए बिल्कुल मैं हमेशा से कार्य करने की कोशिश करूंगी। मैं जैसे अभी जो अवार्ड फंक्शन, जो अवार्ड की प्रक्रिया से गुजरी, इस प्रक्रिया में मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिली, ऐसी महिलाओं से मिली जो खुद में, जिनमें बहुत टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, जाने अनजाने मैंने उनसे बहुत चीजें सीखी, और इन सभी चीजों से मैं चाहती हूँ कि ये सब समाज आगे बढ़े। मैं बालको वेदांता से जुड़ी हुई हूँ, तो उसके माध्यम से मैं इतनी बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि बालको के माध्यम से मैं जरूर कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए कर सकूंगी। और जो चीजें मुझे इंस्पिरेशन मिली है, मैं बाहर से जो महिलाओं से लेकर आई हूँ, एक इंडस्ट्री के वातावरण से थोड़ी आगे निकलकर मैंने देखा, समाज सेविका थी बहुत सारी, और बहुत कल्चरली वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी, ये सब चीजें मैं देखकर बाहर से आई हूँ, और बिल्कुल मैं चाहूंगी कि ये सब चीजें मैं यहाँ स्प्रेड करूँ और इस तरह से आगे बढ़ूँ, और अपने साथ की सारी महिलाओं को अपने साथ लेकर उन्हें आगे बढ़ाऊँ। शिल्पी के माता पिता अपनी बेटी की उपलब्धि से गौरवान्वित हैं और उन्हें सफलता के उच्च शिखर पर स्थापित देखना चाहते हैं।